नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईसीसी ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को एक स्थान का फायदा हुआ और वो दुनिया के दूसरे नंबर के ऑलराउंडर बन गए हैं। एक तरफ जडेजा आईपीएल में 16 करोड़ रुपए में रिटेन हुए और अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर दो, यानी जडेजा का अच्छा प्रदर्शन उनको डबल इनाम देकर गया। वहीं गेंदबाजी की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 810 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर आ गए हैं। पहले वो 8वें नंबर पर थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान नीचे चले गए हैं और वो अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जडेजा के अलावा अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन 840 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह को एक स्थान का घाटा हुआ है और वे अब 10वें नंबर पर चले गए हैं। बल्लेबाजों में कानपुर टेस्ट नहीं खेलने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज धीमुथ करुणारत्ने को बल्लेबाजी रैंकिंग में 4 अंकों का फायदा हुआ है और वो अब 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करने वाले काइल जेमिनसन को भी आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है और वो अब 9वें नंबर पर आ गए हैं। पहले एक खिलाड़ी 15वें स्थान पर था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स टेस्ट में नंबर एक गेंदबाज बने हुए हैं। टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है और वे दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। केन के फेल होने का फायदा स्टीव स्मिथ को मिला। ऑस्ट्रेलिया का ये शानदार बल्लेबाज अब टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और पहले स्थान पर 903 पॉइंट के साथ जो रूट बरकरार है और भारतीय कप्तान विराट कोहली 6ठे और रोहित शर्मा 5वें नंबर पर बरकरार हैं। कोहली के 775 और रोहित के 805 पॉइंट हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।